वेलकम टू योगा क्लास। आज की योगा क्लास में बच्चों हम जानेंगे अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के कुछ व्यायाम, प्राणायाम और योगा टिप्स। पिछले वीडियो में आपने सूर्य के माध्यम से अपने आप को दृष्टि सही रखने के व सूर्य द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने का तरीका जाना, लेकिन आज हम जानेंगे कुछ और अन्य क्रियाओं द्वारा हम अपनी आंखों को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों करते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना। ईश्वर स्तुति प्रार्थना के बाद में आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो आंखें होती हैं उसके अंदर भी मांसपेशियां होती हैं, और कोई भी मांसपेशी यदि हमारे दैनिक प्रयोग में ना हो तो वो मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं। हम सामान्य रूप से आंखों से देखने का कार्य करते हैं, पढ़ने का कार्य करते हैं और टीवी देखने का कार्य करते हैं। आज की दुनिया में जैसे लॉकडाउन रहा, मोबाइल से स्टडी करने का कार्य हमने अत्यधिक किया, लेकिन इसके लिए हमने अभी कोई भी व्यायाम अपनी आंखों के लिए नहीं किया। शारीरिक रूप से हम वॉकिंग के द्वारा, अन्य आसनों के द्वारा शारीरिक व्यायाम कर लेते हैं, लेकिन विशेष तौर से आंखों के लिए यदि हमें कोई व्यायाम करना हो तो वो हम किस प्रकार से करेंगे उसके विषय में ही आज हम जानेंगे। सबसे पहले आप किसी भी स्थान पर बैठ जाइए। बैठने के बाद में अपने हाथों के माध्यम से हम करेंगे त्राटक। सबसे पहला त्राटक, पहली स्थिति के तहत में हम अपने हाथ को, कोई सा भी राइट हैंड को बिल्कुल सामने रखेंगे और राइट हैंड के जो थम है उसका जो टिप है उसको ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखना है, बिल्कुल टकटकी लगा के। इसके अलावा आपको कुछ नजर नहीं आना चाहिए। और अब धीरे धीरे अंगूठे को नजदीक लाएंगे। धीरे धीरे दूर ले जाएंगे, लेकिन निगाहें हमारी उसी थंब के टिप पर होनी चाहिए। इस वाली प्रक्रिया को आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। इसके बाद में अब सामने की जगह साइड में, फेस हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा, निगाहें बिल्कुल नहीं रहेंगी, लेकिन अब हम दूसरी तरफ अपने राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, लेकिन निगाहें सामने रहेंगी। सिर्फ आंखों की पुतलियों के माध्यम से, गर्दन को नहीं मुड़ाना, आंखों की पुतलियों के माध्यम से हमें उस थंब को देखना है। और फिर अब धीरे धीरे वापस सामने ले आएंगे। प्रक्रिया मध्यम गति से होनी चाहिए और धीरे धीरे बिल्कुल दृष्टि को एक ही जगह रखते हुए करनी चाहिए। वापस आ जाएंगे, नीचे ले आएंगे। इस प्रक्रिया को 3 से 5 बार कर सकते हैं। अब हमने इस हाथ से किया तो अब हम दूसरे हाथ से भी करेंगे। सीधे हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है, उल्टे हाथ से कर रहे हैं हम। धीरे धीरे नजदीक लाएंगे। सिखाने के दृष्टिकोण से हम आपको एक एक बार बता रहे हैं
लेकिन जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो 3 से 5 बार अवश्य करेंगे। पहले हम अपनी दृष्टि को बिल्कुल सामने आगे और पीछे ले जाएंगे। अब हम अपनी दृष्टि को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, राइट साइड हम कर चुके हैं, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, लेकिन हमारा फेस सामने रहेगा, सिर्फ आंखों की पुतलियां धीरे 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 हमारे थंब के टिप को देखेंगे। गर्दन सामने रहेगी लेकिन निगाहें सिर्फ साइड में देखेंगे। अब धीरे 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 वापस अपने स्थान पर ले आएंगे। जाएंगे। इसके करने के बाद में अपने सामने कोई भी एक निश्चित पॉइंट बना लीजिए, किसी को भी टारगेट कर लीजिए। सपोज मेरे सामने मेरे हमारे स्कूल की बस खड़ी हुई है और उसमें सेंट जोसेफ एकेडमी का एस के साथ में एक अपोस्ट्रोफी है, वो लिखा हुआ है, मेरा ध्यान उसी पर है, मैं अपने ध्यान को उसी एक केंद्र बिंदु पर केंद्रित कर रहा हूँ और उसी को ही लंबे समय तक देखना है। 4 से 5 मिनट तक उसी को केंद्रित करके आप देखते रहें। इन व्यायाम के माध्यम से हमारी मांसपेशियां, जो आंखों की मांसपेशियां हैं, उनको व्यायाम मिलेगा तो वो स्ट्रांग होंगी, और स्ट्रांग होंगी तो हम जो है अपनी आंखों को स्वस्थ रखने में लाभ हमें मिलेगा। आंखों में किसी प्रकार का दर्द हो, पानी आए, तो भी आपको नित्य अभ्यास करते रहना चाहिए, और नित्य अभ्यास करने से आपकी दृष्टि का जो दृष्टिकोण है, आई का जो विजन है, उसमें सुधार होगा, आपकी आंखें स्वस्थ बनेगी। व्यायाम करने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब हम व्यायाम देते हैं तो हम अपनी आंखों को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, उनको विश्राम भी देना है, आराम भी देना है। सारी एक्सरसाइज करने के बाद में अब आप अपनी आंखों को हल्के हल्के बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। ये आपका अगला व्यायाम है, आंखें बंद करनी है, आंखें खोलनी है। जल्दी जल्दी आंखें बंद करो, आंखें खोलो। अब यहीं से आंखों की ऊपर देखो, नीचे देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो। अब यहीं से लेफ्ट देखो, राइट देखो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, लेफ्ट देखो, राइट देखो। इन सब प्रक्रिया को आपको 3 से 5 बार करना चाहिए। करने के बाद में आप अपनी आंखों को बंद कर लें और बिल्कुल शांत रहना है। वज्रासन में लंबे समय तक बैठे हुए यदि आप थक जाएं, तो अपने पैरों को खोल लें और आप सामान्य रूप से सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिस भी आसन में बैठना चाहें उस आसन में आप बैठ सकते हैं। और अब ज्ञान मुद्रा के साथ में बैठे रहेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे। आपकी जो आंखों ने जो कार्य किया है उस मांसपेशियों को विश्राम देना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम अन्य एक्सरसाइज करने के बाद में अपने शरीर को कूल डाउन करते हैं, उसी तरह से आंखों का व्यायाम करने के बाद में आंखों का कूल डाउन, अर्थात हमारी आंखों को वापस सामान्य स्थिति में आना है, लाना है। आंखों की पुतलियों को ध्यान दें, आंखों पर देखें, ध्यान रखें और महसूस करें कि आंखें रिलैक्स हो रही हैं।
प्रक्रिया को भी आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं, और उसके बाद में फिर आपको जैसे कि हमने आपको अनुलोम विलोम सिखाया है उसमें 5 से 10 मिनट आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए। अनुलोम विलोम करने का तरीका आपको बताया हुआ है। एक नासिका सांस लेना है, दूसरी नासिका सांस छोड़ना है। राइट नोस्टल से प्रारंभ करेंगे, राइट थंब से नोस्टल्स को बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्टल सांस लेंगे, राइट नोस्टल सांस बाहर छोड़ देंगे, फिर राइट नोस्टल से लेंगे और लेफ्ट नोस्टल छोड़ देंगे। कम से कम 5 मिनट आपको अनुलोम विलोम अवश्य करना चाहिए। अनुलोम विलोम ध्यान रहे बच्चों, जिस नोस्टल से प्रारंभ करते हैं उसी नोस्टल से आपको अनुलोम विलोम को समापन करना होता है। अनुलोम विलोम करने के बाद में फिर आपको भ्रामरी उद्गीत और प्रणव भी करना चाहिए, तभी जाके आपकी आंखों का संपूर्ण व्यायाम होगा। व्यायाम के साथ साथ उसको विश्राम की भी आवश्यकता है। दृष्टि जो है हमारी अत्यधिक कार्य करने के कारण, उसे विश्राम न मिलने के कारण भी हमारी दृष्टि में दोष लग जाते हैं, वह रोग ग्रसित हो जाता है। तो अब अनुलोम विलोम के बाद में भ्रामरी उद्गीत और प्रणव, ये मैं आपको ध्यानात्मक योग के तहत में सिखा चुका हूँ। तो भ्रामरी में आपने दोनों अंगूठों से अपने दोनों कानों को बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर को माथे पर रखेंगे, शेष दोनों उंगलियों पर आंखों पर रखेंगे, होठों को बंद रखेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण, जैसे भंवरा गुनगुन करता है इस तरह की ध्वनि आपको सुनाई देगी। इस भ्रामरी को आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। भ्रामरी के बाद में फिर आपको करना है उद्गीत। उद्गीत अर्थात आपको लंबे गहरे स्वर के साथ में ओम की ध्वनि को करना है। इस उद्गीत को भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। उसके बाद में आता है प्रणव। प्रणव का मतलब है आपको शांति से बैठना है और अपना ध्यान अपनी सांस की गति पे रखना है। ध्यानात्मक प्रणाम के तहत में हम आपको इसको भी सिखा चुके हैं। अपना ध्यान अपनी सांस की गति पे दे दीजिए, देखिए सांस आ रही है, सांस जा रही है। प्रणव के माध्यम से आपका संपूर्ण शरीर विश्राम हो जाएगा, आपकी मांसपेशियां शांत हो जाएंगी और आपको एक अनोखी शांति स्वभाव के साथ में अनुभूति प्राप्त होगी। इसके बाद में अपने दोनों हाथों को आप पर ऊपर में घर्षण करेंगे और उसे अपनी आंखों पर लगा लेंगे। और आंखों को धीरे धीरे खोलना है, आंखों को धीरे धीरे बंद करना है। तो बच्चों, ये हुआ हमारा दृष्टि के लिए आज का दूसरा चैप्टर। इसे सावधानी आप ध्यान रहे
कि अपनी आंखों को एकदम ना खोलें, धीरे धीरे खोलें, धीरे धीरे बंद करें। और जब भी आप त्राटक करें, त्राटक करने के बाद में आपको उसके बाद में विश्राम अवश्य करना चाहिए, अर्थात अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीर प्रणव के माध्यम से अपनी आंखों की मांसपेशियों को हमको रिलैक्स देना है, तभी हम इसका पूर्णतः लाभ उठा पाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में पुनः फिर मिलेंगे। धन्यवाद।